नानी के हाथ का आलू डालकर बिहारी स्टाइल देसी लाल झोल। दोस्तों, लगभग 40 साल पहले मेरी नानी ने एक बिहारी पड़ोसी से आलू डालकर यह देसी लाल झोल बनाना सीखा था। यह बिहारी स्टाइल लाल झोल दिखने में थोड़ा लाल होता है, लेकिन खाने में इसका स्वाद साधारण चिकन ग्रेवी से 4 गुना बेहतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए चिकन। मैंने यहाँ 500 ग्राम हड्डी समेत मुर्गी का मांस अच्छे से धो लिया है। अब इसमें करीब 250 ग्राम प्याज डालें, फिर इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालें, फिर 1 चम्मच जीरा पाउडर डालें, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालें, आधा चम्मच सूखी मिर्च पाउडर डालें, फिर 2 से 2.5 चम्मच टमाटर का पेस्ट डालें और 2 चम्मच फेंटा हुआ दही डाल दीजिए। फिर डालें 2 लौंग, 2 खुली इलायची, लगभग 1 इंच दालचीनी और 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। सारे मसाले डालने के बाद चिकन को मसाले के साथ अच्छे से मिला लीजिए। मिलाते समय जल्दबाजी न करें, धीरे धीरे बहुत अच्छे से मिलाएं, क्योंकि इसे जितना अच्छे से मिलाया जाएगा इसका स्वाद उतना ही बढ़ेगा। अच्छे से मिलाने के बाद चिकन को ढककर 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। अब आलू लीजिए। मैंने यहाँ 3 बड़े साइज के आलू लिए हैं। सबसे पहले आलू को अच्छे से छील लें, फिर आलू को इसी तरह 2 टुकड़ों में काट कर कुकर में देके पानी डालकर बस एक बार सीटी लगा लें। आलू को पूरी तरह से न पकाएं। फिर 1 घंटे तक रखने के बाद चिकन का ढक्कन खोलें और इसे 5 मिनट के लिए खुला छोड़ दें। फिर कढ़ाई गरम करें। कढ़ाई गर्म होने पर तेल डालें। तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब तेल गर्म होने पर तेल में आधा चम्मच साबुत जीरा डालें, 2 तेज पत्ते डालें। जब तेज पत्ता लाल हो जाए तो इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालें। फिर इसे 5 मिनट तक तेज आंच पर अच्छे से भून लें। दरअसल मेरी नानी ने मेरी माँ को यह बिहारी स्टाइल लाल झोल रेसिपी बनाना सिखाया था। अब मेरी माँ ने मुझे इसे बनाना सिखाया है। मेरा मतलब है कि मैं यह रेसिपी बनाने वाली तीसरी पीढ़ी हूँ। जब यह अच्छे से भून जाए तो आंच धीमी कर दे और इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख दे। देखिए, मैरिनेट करके रखने के कारण इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। 5 मिनट बाद ढक्कन खोलें और आंच बढ़ाकर 5 मिनट तक अच्छे से भुने। चिकन में से सारा पानी निकलने तक और प्याज गलने तक इसे भूनना पड़ेगा, और भूनते समय इसमें पानी बिल्कुल न डालें, क्योंकि अच्छी तरह से भून जाने पर यह चिकन अपने आप पानी छोड़ देगा। उसके बाद 5 मिनट के लिए फिर से ढक दें और आंच धीमी कर दें, नहीं तो मसाला नीचे चिपक सकता है या जल सकता है। 5 मिनट बाद ढक्कन खोलें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चिकन से सारा पानी निकल गया है, प्याज भी गल गया है और मसाले का रंग भी बहुत सुंदर निकल कर आया है और तेल भी बहुत अच्छे से ऊपर तैरने लगा है। बस इसी समय इसमें हाफ बॉईल किए हुए आलू डाल दें। अब आलू डालने के बाद करीब 5 मिनट तक आलू को चिकन के साथ अच्छे से भुने। देखिए, मेरी नानी ऐसा कहाँ करती थी कि कच्चे आलू का अपना एक रस होता है, इसलिए जब कच्चे आलू को चिकन में डाला जाता है तो कच्चे आलू का रस अक्सर चिकन की ग्रेवी का स्वाद खराब कर देता है। इसलिए बेहतर है कि चिकन में आलू डालने से पहले आलू को थोड़ा पानी में डालकर उबाल लें। इससे आलू का रस पानी में उबलकर निकल जाएगा और चिकन ग्रेवी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरी नानी चिकन में उबले आलू का इस्तेमाल करती थी। भुनने के बाद इसे 5 मिनट के लिए ढक दें। 5 मिनट बाद ढक्कन खोलें और अच्छे से एक बार इसे चला लें। देखिए, चिकन बहुत अच्छे से भून गया है। अब झोल बनाने के लिए इसमें पानी डालना पड़ेगा। जिस बर्तन में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था उसमें लगभग 500 ग्राम पानी घोलकर मैंने चिकन में डाल दिया है। आप चाहें तो सादा पानी भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिलाएं और ढक दें। आंच कम करें और 10 मिनट तक इसे उबलने दें, ताकि चिकन अच्छे से पक जाए और झोल पूरी तरह से आलू में घुस जाए। क्योंकि मैंने चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, इसलिए यह पहले से ही काफी नरम हो गया था, इसलिए इसमें पानी डालकर 10 मिनट तक उबालना काफी होगा, और ज्यादा उबालने पर चिकन गल जाने की संभावना रहती है। 10 मिनट बाद ढक्कन खोलकर आलू को एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर आलू बहुत अच्छे से पके हैं और चिकन देखने से पता चलता है कि चिकन भी बहुत ही अच्छे से पक गया है। जब आलू और चिकन पक जाएं, तो ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर छिड़क दें। इससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। इसे एक बार अच्छे से मिला लें, फिर इसे ढककर आंच बंद कर दें और 5 मिनट के लिए रख दें। दोस्तों, हमारी नानी माँ की खास रेसिपी बिहारी स्टाइल देसी लाल झोल तैयार है। आप चाहे तो रोटी, पूरी, पराठे, सफेद चावल, फ्राइड राइस, पुलाव आदि
आप जिसके साथ चाहें उसी के साथ इसे खा सकते हैं। यह हर चीज के साथ अच्छा लगता है और आज मैंने इसे बासंती पुलाव के साथ परोसा है, क्योंकि मेरी माँ को यह बिहारी स्टाइल चिकन लाल झोल बासंती पुलाव के साथ खाना पसंद है। लेकिन अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इसे एक बार मालपुआ के साथ ट्राई करें, क्योंकि मुझे मालपुआ के साथ यह देसी लाल झोल खाना बेहद पसंद है। और अगर आप इसे मालपुआ के साथ ट्राई करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर मालपुआ बनाने की रेसिपी भी है, आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, मेरी नानी माँ का यह खास चिकन लाल झोल बनाकर देखिए। मेरा वादा है कि इस चिकन लाल झोल का स्वाद आपके मुंह में बस जाएगा। और अगर आपके घर में कोई भी कार्यक्रम हो तो आप हर बार यही चिकन लाल झोल बनाएंगे, क्योंकि यह चिकन लाल झोल रेसिपी खाने में इतनी अच्छी है कि जब मेरे घर पर किसी त्योहार या फंक्शन में चिकन का मीट होता है तो यह लाल झोल जरूर बनाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की हमारी यह बिहारी स्टाइल देसी लाल झोल की रेसिपी आपको पसंद आई है, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हॉट पॉट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। আর আপনি যদি এই রেসিপিটি বাংলাতে দেখতে চান, তাহলে নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে, সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন।